हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है और एक्चुअली ये स्टैटिस्टिकल स्टडी में क्यों इंपॉर्टेंट होता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का कंसेप्ट समझना हो, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीजें पढ़ना है और एक्चुअली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए आप इसकी पूरी हेडिंग का बाइफरगेशन कर दें, सारे वर्ड्स को अलग अलग कर दें। फर्स्ट वर्ड इसके अंदर यूज हो रहा है मेजर। मेजर तो आपको पता है मेजरमेंट करना है, किसी चीज का नापना है, मेजर करना, फाइन। ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अब ये वर्ड आया सेंट्रल। सेंट्रल का मीनिंग होता है कोई चीज का बीच का पॉइंट, ठीक है। जैसे मैं अगर कहूं कि भाई मैं पूरा अगर ये एक सेंटर सर्कल बनाता हूं तो ये मेरा अप्रोक्सीमेटली क्या है, उसका सेंटर हो जाएगा। तो सेंट्रल टेंडेंसी, अब यहां पर वर्ड टेंडेंसी आया, तो टेंडेंसी का मीनिंग होता है बिहेवियर, ठीक है, या वे ऑफ बिहेविंग, आप किस तरह से बिहेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट टेंडेंसी। हम बोलते हैं ना भाई इस स्पेसिफिक चीज की टेंडेंसी ही ऐसी है, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि भाई टेंडेंसी का मीनिंग होता है कि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट या वो स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग या वो स्पेसिफिक एनिमल या वो स्पेसिफिक कोई भी, अगर आप किस जिस भी चीज की बात करते हैं उसके बिहेवियर की और उसके स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग की बात करते हैं कि वो एक्चुअली कैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम पूरे हेडिंग को लें, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मीनिंग होगा कि ये जो चैप्टर है ये हमें ऐसे टूल्स और मैं कहूं ऐसी मैथड्स प्रोवाइड करेगा जो किसी भी एक स्पेसिफिक स्टैटिस्टिकल सीरीज या वेरिएबल सीरीज की सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। कोई भी एक सीरीज आपको दे दी जाएगी, भाई स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स। क्वालिटेटिव मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स में मेजर नहीं हो सकते, आप उसके लिमिटेशंस वाला वीडियो देख सकते हैं कि हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स में हमेशा क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन होता है, वी नेवर टॉक अबाउट द क्वालिटी, या स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन है, फाइन। तो हम किसी भी स्टैटिस्टिक्स में कोई भी एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल सीरीज होती है, उस सीरीज की सेंट्रल टेंडेंसी को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेंट्रल टेंडेंसी को ही क्यों कैलकुलेट किया जा रहा है, सर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है सेंट्रल टेंडेंसी में कि सेंट्रल टेंडेंसी को ही कैलकुलेट किया जाए। देखिए पहले तो मैं बताऊं, सेंट्रल टेंडेंसी को आसान जबान में हम बोलते हैं एवरेज, ठीक है ना, इसको एवरेज बोला जाता है। लेकिन वो एवरेज जो हम सोचते हैं सिर्फ वही सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट नहीं होता, यह एक एलाबोरेटेड और बहुत ज्यादा वास्ट कंसेप्ट है, ठीक है। अब सुनिए, हम सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट इसलिए करते हैं कि दुनिया में जितनी भी वेरिएबल सीरीज होती है, आप किसी भी चीज की स्टडी करें, जैसे हम पढ़ चुके हैं सेंसस एंड सैंपल सर्वे में यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स का मीनिंग होता है पूरा ग्रुप जिसकी आप अल्टीमेटली स्टडी कर रहे हैं। जैसे अगर आप कि इंडिया में जितने भी टाइगर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, तो जितने भी टाइगर्स इंडिया में होंगे वो उसका यूनिवर्स कहलाएगा, फाइन। हम अगर किसी स्पेसिफिक कंपनी की स्टील शीट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उस कंपनी के अंदर जितनी भी स्टील शीट्स पड़ी है, दैट इज यूनिवर्स। हम किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, एनरोल्ड होंगे, वो पूरा का पूरा, जितने मान लो अगर उस पूरी यूनिवर्सिटी में 3 लाख स्टूडेंट्स एनरोल है, तो वो कहलाएगा हमारा यूनिवर्स, वो उसका यूनिवर्स कहलाएगा। आप अपने स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो हमारा यूनिवर्स कहलाएगा। एनीवे, तो मैं ये बता रहा था कि हम जिस भी ग्रुप की या किसी भी वेरिएबल सीरीज की, भाई देखिए जब आप किसी भी ग्रुप का डेटा कलेक्ट करते हैं तो नेचुरली वो कलेक्टेड डेटा क्या कहलाता है, आपका वेरिएबल कहलाता है, नंबर कहलाता है, डेटा कहलाता है, फिगर्स कहलाता है, फाइन। तो किसी भी वेरिएबल सीरीज की कोई भी हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट करें, चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की हाइट कैलकुलेट, चाहे इंडियंस की इनकम कैलकुलेट करें, इंडियंस का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करें, जीडीपी पर कैपिटा कैलकुलेट करें, ठीक है, बंदों का वेट मेजर करें, तो ये सब चीजें क्या कहलाएंगी, हमारी वेरिएबल सीरीज, क्योंकि हमें इसके लिए डेटा, हमें वेरिएबल कलेक्ट करना पड़ता है। तो जब हम वेरिएबल कलेक्ट करते हैं तो याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी वेरिएबल सीरीज होगी उसका एक स्पेशल फीचर होता है कि वो किसी एक सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ क्लस्टर होते हैं, मींस उस तरफ जमा होते हैं, ठीक है। ये मींस कोई भी वेरिएबल सीरीज जो होगी वो हमेशा किसी एक सेंट्रल वैल्यू के इर्द गिर्द, उसके आसपास ही क्या होगी, जमा होगी। मेजॉरिटी वेरिएबल्स उसके अंदर जो होंगे वो उसी सेंट्रल वैल्यू के आसपास ही मिलेंगे,
और वो सेंट्रल वैल्यू जो होगी उसका मेजरमेंट करना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मींस ये जो चैप्टर है वो सेंट्रल टेंडेंसी का, जैसे हम कहे भाई कि एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस फॉर एग्जांपल, हम बात करें भाई एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस फॉर एग्जांपल 5 feet 7 inches, ये एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस है। इसका मीनिंग ये होगा कि 140 करोड़ लोगों की एवरेज हाइट की रिप्रेजेंटेड वैल्यू 5 फीट 7 इंचेस है, ठीक है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि सारे के सारे इंडियंस की हाइट एग्जैक्टली 5 फीट 7 इंचेस है, कुछ लोग इससे ज्यादा के हैं, कुछ लोग इससे कम के हैं, तो उनका जो एवरेज है दैट इज 5 फीट 7 इंचेस। मींस हमारी जो इंडियंस की एवरेज हाइट है वो 5 feet 7 inches, ये इसकी सेंट्रल टेंडेंसी है, और मेजॉरिटी जो इंडियंस होंगे वो इसी 5 feet 7 inches के आसपास होंगे, थोड़े बहुत कम या थोड़े बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा का डिफरेंस बहुत रेयर लोगों के अंदर होगा। मींस जैसे अगर हम बोलें कि 6 feet 6.1 feet 6.2 feet, इस तरह से जो लोग होंगे ये कम लोग, इसी तरह से बहुत कम हाइट वाले 4.5 4.6 4.7, ऐसे भी बहुत कम लोग। लेकिन हमारे जितने भी मेजॉरिटी लोग जब आपको मिलेंगे, एवरेज जो हम बोलते हैं ना भाई कि एवरेज एक इंडियन है, एवरेज इंडियन की हाइट कैसी होगी, अगर आप किसी के सामने कहेंगे कि 5 feet 7 inches, तो उसके दिमाग में एक जनरल आइडिया उसका आ जाता है। मींस हमारे जो इंडियंस हैं उनकी हाइट 5 feet 7 inches के आसपास, मेजॉरिटी इंडियंस की हाइट इस 5 feet 7 inches के आसपास ही होगी। मींस जो हमारे यहाँ की जो हाइट होगी वो इस सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास क्लस्टर होगी। अब हमारे यहाँ पर देखिए ना, 6 feet हाइट हो जाए, 6'6'1" हाइट हो जाती है, तो लोग बोलते हैं भाई आपकी हाइट बहुत अच्छी है। इट मींस हमारे माइंडसेट भी बनाए कि अगर एक इंडियन होगा तो उसकी एवरेज हाइट अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी। तो दिस इज सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब हमारे जो इंडियंस हैं उनकी जो हाइट है वो 5 feet 7 inches की सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास ही क्लस्टर होती है। आप कोई भी वेरिएबल सीरीज उठा लीजिए, उस वेरिएबल सीरीज के अंदर जब भी डेटा होगा, मेजॉरिटी डेटा जो होगा वो उसी सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास ही लाए करेगा। इसीलिए सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। भैया वो सेंट्रल टेंडेंसी क्या, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। चलिए ये तो मान लिया हमने कि सर भाई मेजॉरिटी डेटा जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास क्लस्टर होगा, बट वो सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, वैल्यू तो बताइए हमको। वो वैल्यू हमें मालूम पड़ेगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक जनरल आइडिया आ जाएगा। याद रखिएगा कि सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है किसी भी सीरीज का एक जनरल आइडिया आपको देती है, और वो जनरल आइडिया आपके कंपैरिजन में, आपके प्लानिंग में और बहुत सारी चीजों के अंदर आपके लिए हेल्पफुल हो। याद कंसेप्ट आप अच्छे समझ के रखिएगा कि सेंट्रल टेंडेंसी के बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे बुक में से देख करके भाई कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, ठीक फाइन। तो सेंट्रल टेंडेंसी एक जनरल आइडिया देता है किसी भी वेरिएबल सीरीज का, ठीक है। जैसे वैसे तो मैं ये मीन का एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्योंकि लेकिन मीन अकेला सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आता, बट स्टिल जैसे हमने कहा कि भाई 2 सेक्शन हैं आपके क्लास 11 के, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए का एवरेज भाई सेक्शन ए के अंदर 50 students है, सेक्शन बी में भी 50 students है। अब 50 students का इंडिविजुअल कंपैरिजन तो नहीं हो सकता ना। अगर आप हम बोलेंगे विच सेक्शन इज द बेटर परफॉर्मर, तो आप क्या करेंगे, इसका एवरेज मार्क्स निकालेंगे, इसके एवरेज मार्क्स निकालेंगे। इसके एवरेज निकाले आपने 82%, इसके एवरेज निकाले आपने 85%। तो यहां 50 students का एवरेज मार्क्स 85% है, 50 students का एवरेज मार्क्स 82% है। मींस ये जो मार्क्स है ये वहां की सेंट्रल टेंडेंसी है। अब आप देखेंगे कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो होंगे वो 82 के आसपास ही होंगे, होंगे ऐसा जरूरी नहीं है बट होंगे, क्योंकि देखिए हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, तो सेंट्रल टेंडेंसी की भी कुछ लिमिटेशंस होंगी। तो एनीवे कहने का मीनिंग ये होता है कि सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो किसी भी वेरिएबल सीरीज की एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, और उसके अंदर मेजॉरिटी जो वेरिएबल्स होते हैं वो उसी सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास ही क्लस्टर होते हैं। मींस कहने का मीनिंग ये होता है कि किसी भी वेरिएबल सीरीज में जो मेजॉरिटी डेटा होंगे वो किसी एक सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास क्लस्टर होंगे, उसके आसपास जमा होंगे। तो हमें अब इस चैप्टर के अंदर वो टूल्स, वो मेथड्स, वो टेक्निक्स मिलेंगी जो हमें उस स्पेसिफिक सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करके अल्टीमेटली बताएंगे। ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट है सेंट्रल टेंडेंसी का। फाइन, सेंट्रल टेंडेंसी को हम आसान जबान में एक्चुअली बोलते हैं एवरेजेस, ठीक है। एनीवे तो अब लेकिन इसके अंदर एवरेज जो होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। देखिए कौन कौन से टाइप के एवरेजेस है, पहले मैं उस पर डिस्कशन करता हूं, फिर बाद में मैं आगे के दूसरे इसके अंदर हेडिंग्स के अंदर आऊंगा, ठीक है। तो हम बात करें सबसे पहले टाइप्स ऑफ एवरेजेस, ठीक है। कितने टाइप के एवरेजेस एक्चुअली होते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट
जो एवरेजेस होते हैं दोज आर मैथमेटिकल एवरेजेस, ठीक है जी। सेकंड जो होंगे दोज आर पोजिशनल एवरेजेस, पोजिशनल एवरेजेस। और थर्ड जो होंगे दोज आर कमर्शियल एवरेजेस। वैसे ये कमर्शियल एवरेजेस ज्यादा हम नॉर्मली यूज नहीं करते, हायर स्टडीज में होता, बट स्टिल कमर्शियल एवरेजेस। तो तीन टाइप के एवरेजेस हो गए, फर्स्ट मैथमेटिकल एवरेज, सेकंड पोजिशनल एवरेज, थर्ड आर द कमर्शियल एवरेजेस, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करें व्हाट आर मैथमेटिकल एवरेजेस। तो ये वो एवरेज है जिनका प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है और एक अरिथमेटिकल वैल्यू, एक पूरी प्रोसेस, एक पूरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। बाकायदा एक अरिथमेटिकल एप्लीकेशन इसके ऊपर लगी, वैसे तो फॉर्मूला इस पर भी लगता है, अरिथमेटिकल एप्लीकेशन भी होती है, लेकिन ये एवरेजेस पोजिशन शो करते हैं। ये एक अरिथमेटिकल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू बताते हैं, प्योरली मैथमेटिकल टर्म, ठीक है। दोज आर कॉल्ड एज मैथमेटिकल एवरेजेस, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर थ्री टाइप्स के एवरेजेस आते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एवरेजेस व्हाट अरिथमेटिक मीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सेकेंड इज व्हाट ज्योमेट्रिक मीन, इसके अंदर सेकेंड क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन। एंड थर्ड इज व्हाट हार्मोनिक मीन, ठीक है। ये तीन टाइप के एवरेजेस जो होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ मैथमेटिकल एवरेज, बाकायदा मैथमेटिकल वैल्यू से कैलकुलेट होते हैं। सबसे पहले है अरिथमेटिकल मीन। अरिथमेटिकल मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, एक्स के ऊपर एक बार लगा दिया जाएगा। अगर सिंगल वेरिएबल सीरीज हो, यूनिवेरिएट डेटा है तो बाय वेरिएट डेटा होगा, तो एक्स और वाई बार दो ऐसे चलेंगे। मल्टीवेरिएट है तो अकॉर्डिंगली फिर उससे एक्स बार वाई बार जेड बार, इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। एनीवे तो एक्स और उसके ऊपर बार लगा दिया जाएगा, तो दिस इज द वे ऑफ डिनोटिंग द अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन को हम सिंपल एवरेज भी बोलते हैं, और सिंपल एवरेज इसलिए सबसे कॉमनली यूज्ड एवरेज। अगर आपको सबसे ज्यादा एवरेज अगर मिलेगा, मींस अगर हम बोले कि इस पूरे चैप्टर में अगर हम इसको एवरेज या मीन से बोले तो भी अपने आप में गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा एक एवरेज है जो सबसे कॉमनली यूज्ड एवरेज है, सब जगह यूज हो रहा है। क्रिकेट में बैट्समैन का बैटिंग एवरेज, बॉलर का बॉलिंग एवरेज, ठीक है। उसके अलावा गाड़ी चलाते हैं आप, तो जो आपका माइलेज गाड़ी देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज, गाड़ी का माइलेज कितना है, वो बेसिकली क्या होगा, इसका एवरेज होगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया, एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस, एवरेज मार्क्स, एवरेज इनकम, एवरेज एक्सपेंस, मींस जो हम मेजरली जो सबसे ज्यादा यूज में एवरेज लेकर आते हैं वो कौन सा एवरेज है, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सबसे फेमस, इसलिए इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज और कॉमन एवरेज, ये सिंपल एवरेज अल्टीमेटली कहलाता है, फाइन। सेकंड है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जी डॉट एम डॉट। ये एक्चुअली एक स्पेशल टाइप का मीन है जो बेसिकली प्रोडक्ट बेसिस पर और उस प्रोडक्ट का एंथ रूट निकालने के बाद हमारा वैल्यू को एक्सप्रेस करता है। फिलहाल तो अभी इसके लिए इतना इसके ऊपर ज्यादा डिटेल नहीं, और वैसे भी क्लास 11 के अंदर ज्योमेट्रिक मीन है नहीं, और अगर इसकी कोई डेडिकेटेड लेक्चर अलग होगा तो उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फाइन। और इसके अंदर हम ज्योमेट्रिक मीन के अंदर लॉगरिथम टेबल का यूज होता है, लॉग टेबल की वैल्यू, हम लॉग वैल्यू से यूज करके उसका एंथ रूट हम फाइंड आउट करते हैं, फाइन। तो सेकंड इज व्हाट ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड इज व्हाट हार्मोनिक मीन। तो देखिए हार्मोनिक मीन जो होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच डॉट एम डॉट, और हार्मोनिक मीन जो होती है ये पर यूनिट वैल्यू पर कैलकुलेट होने वाला एवरेज है। जैसे आप इसके अंदर एक इसका सिंपल सा फंडा समझेंगे, अगर मैं कहूं कि भाई एक कैलकुलेशन तो क्या है कि मान लीजिए एक बनाना की वैल्यू है ₹5, तो एक डजन बनाना की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे 5 × 12, एक डजन में 12 बनानास होते हैं, तो 5 × 12 इज ₹60, ये एक वैल्यू अपने आप में आ गई, ठीक है। मींस अगर चलिए मैं अब इसी से दूसरे क्वेश्चन उठाता हूं, अगर बाय चांस कि अगर हम बोले कि फॉर एग्जांपल एक 1 dozen बनाना कॉस्ट ₹60, ₹60 का एक डजन बनाना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 banana, ठीक है। तो एक बनाना की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 60 / 12 इज ₹5। तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक मीन, सिंपल सा अरिथमेटिक मीन। और अगर मैं इसमें क्वेश्चन को पलट दूं कि 1 dozen बनाना वैल्यूज ₹60, एक डजन बनाना की वैल्यू ₹60 है, तो ये बताइए कि ₹1 में हाउ मेनी बनानास आर परचेज। तो अब ये केस हो गया हार्मोनिक मीन का, हर एक वैल्यू के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी यूज टू कैलकुलेट द रेसिप्रोकल्स, हम इसके अंदर रेसिप्रोकल्स को यूज करेंगे,
फाइन। तो जैसे ज्योमेट्रिक मीन के अंदर लॉगरिथम टेबल यूज होता है, हार्मोनिक मीन के अंदर रेसिप्रोकल्स निकाले जाते हैं और रेसिप्रोकल्स की बेसिस के ऊपर पर यूनिट वैल्यू एक्चुअली कैलकुलेट की जाती है। तो आई होप ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन आपको क्लियर होगा। 11th स्टैंडर्ड के अंदर सिर्फ अरिथमेटिक मीन है और दूसरे जो क्लासेस है जैसे CA हुआ और दूसरे इंटरमीडिएट और उसे अपना फाउंडेशन के अंदर, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन आता है, तो उसके डेडिकेटेड एक सेपरेट लेक्चर्स में बता दूंगा, आप वहां से उसको देख लेंगे। ओके फाइन। तो चलिए, एक हो गया हमारा मैथमेटिकल एवरेज जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देता है, उसमें फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, सेकंड है ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड इज हार्मोनिक मीन। चलें जी, अब आए सेकंड पे, दैट इज व्हाट, पोजिशनल एवरेज। और पोजिशनल एवरेज के अंदर अगेन वी हैव टू, और दो को अगर हम तीन भी बोल ले तो उसके अंदर बेसिकली कोई ऐसा वो नहीं है इसमें। फर्स्ट होता है इसके अंदर मीडियन, ठीक है, एंड मीडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, एंड सेकंड इज व्हाट, मोड, मोड इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। अब सर ये पोजिशनल एवरेज का कंसेप्ट क्या है, तो देखिए पोजिशनल एवरेज का मीनिंग होता है ये एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हो जो किसी एक वेरिएबल की पोजिशन को शो करती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं फटाफट से, कि मान लीजिए कि इंदौर से मुंबई का डिस्टेंस, ये इंदौर और इधर मुंबई, तो अगर कोई बोलेगा कि अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर से, ठीक है, अब वो 600 किलोमीटर में से हम बोलेंगे इसका मीडियन क्या, तो मीडियन विल बी व्हाट, 300 किलोमीटर। मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जो पूरी वेरिएबल सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन कर देती है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मीडियन। जैसे मैं कहूंगा मेरा ये पूरा व्हाइट बोर्ड 6 feet का है और इसका मुझे दो इक्वल पार्टीशन करना है, तो कहां कट लगाना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे सर 3 feet पर एक कट मार दे, तो ये इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। आपका रोड होता है, ठीक है, फाइन, जैसे आपका ये पूरा रोड है और उसके बीच में एक मीडियन बना होता है, ठीक है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि गाड़ियां इधर से जाएंगी या इधर से जाएंगी, तो वो कहां होता है, बिल्कुल उसके सेंटर में, मिड के अंदर होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। मीडियन शोज द पोजिशन, एक स्पेसिफिक वैल्यू की पोजीशन को शो करेगा। एनीवे अभी बस इतना, फिर हम उसके डेडिकेटेड लेक्चर में डिटेल समझेंगे। मोड, मोड मींस फैशन। फैशन क्या होता है भाई, फैशन वो चीज होती है जो रिपीटेडली यूज होती है, रिपीटेटिव होती है, तो मोड बेसिकली आपकी वेरिएबल सीरीज में हाईएस्ट रिपीटेशंस को शो करता है। मोड कहां पर यूज होता है भाई, आपके इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस होते हैं तो वो बंदा जीतता है जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं, तो मींस रिपीटेडली उसको सबसे ज्यादा लोगों ने इलेक्ट किया है, तो वो बंदा हमारा मोड बन जाएगा, दैट इज अवर फैशन, वो चीज हमारे आज जो सबसे ज्यादा रिपीटेडली यूज होगी, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मोड। अच्छा फाइन, तो ये हमारा मोड हो गया। अच्छा एक चीज और समझिएगा कि मीडियन, मैंने अभी क्या कहा कि मीडियन इटसेल्फ इज अ पार्टीशनल वैल्यू, ठीक है, जो क्या करती है, पूरी सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन करती है। इसी में आगे कुछ पार्टीशनल वैल्यूज और होती है, तो मैं चाहूं तो इसके साथ भी लिख सकता था, मैं यहां लिख देता हूं पार्टीशनल वैल्यूज, कुछ बुक्स के अंदर इसके साथ होता है, कुछ अलग से होता है, और पार्टीशनल वैल्यूज होती हैं तीन और बहुत सारी भी हो सकते हैं, क्वार्टाइल, सेकंड इज व्हाट डेसाइल, एंड थर्ड इज व्हाट परसेंटाइल, ठीक है। क्वार्टाइल क्वार्टर से बना है, क्वार्टर मींस फोर्थ, जैसे मैंने क्या कहा, ये एक ऐसी पार्टीशनल वैल्यू जो पूरी सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन करती है, ये फोर इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन करेगी। डेसाइल 10th वैल्यू को बोलते हैं, तो ये क्या करेगी, पूरी सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में पार्टीशन कर देगी। और ये परसेंटाइल मींस, परसेंटाइल परसेंट से बना है, तो ये 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर पार्टीशन कर देगी। क्वार्टाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, डेसाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, परसेंटाइल इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। इसके अलावा और भी होते हैं, हेक्टाइल होता है 6 पार्ट्स में, ऑक्टाइल होता है 8 पार्ट्स में, ऐसे और भी पार्टीशनल वैल्यूज हैं। लेकिन कुछ भी हो, चाहे वो पार्टिशनल वैल्यू हो, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल या मीडियन हो, तो अल्टीमेटली क्या करेगी, एक जो पूरी एक सीरीज उसके अंदर एक स्पेसिफिक पोजीशन को शो करेगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, पोजीशनल एवरेज। चलिए जी, तो मोड मैंने आपको बता दिया, फैशन, तो ये हमारा हुआ पोजीशनल एवरेज। चलिए थर्ड आ गए हम कमर्शियल एवरेज के ऊपर। कमर्शियल एवरेज के अंदर सबसे पहला फर्स्ट एवरेज होता है मूविंग एवरेज, ठीक है। सेकंड इसके अंदर और देखे रखे, प्रोग्रेसिव एवरेज और एक कंपोजिट एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, एंड थर्ड इज व्हाट, कंपोजिट एवरेज। अब मैं एक बात बताऊं, कमर्शियल एवरेज नाम से समझ में आ रहा है कि कहां पर यूज होगा, इनका कमर्शियल यूज होगा, ठीक है। कमर्शियल यूज मींस मार्केट में यूज होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये वाले जितने भी एवरेज हैं, ये सबसे ज्यादा मार्केट में यूज होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज, तो आप देखेंगे मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा यूज होता है शेयर मार्केट में और फाइनेंशियल मार्केट में, जहां पर
फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं। आप देखेंगे मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है और शेयर्स की वैल्यूज हर सेकंड में चेंज होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो वहां पर आप एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो बड़ा टिपिकल टास्क हो जाता है। तो उसके लिए फिर वहां पर मूविंग एवरेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे शेयर मार्केट मूव करता है, वो मूविंग एवरेज हम उससे कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा होगा ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न बने होते हैं, ऐसे कैंडल्स बनी होती है छोटी छोटी और बड़ी इस तरह से, और अपवर्ड ट्रेंड और डाउनवर्ड ट्रेंड बेसिकली शो होते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव एवरेज ये भी मूविंग एवरेज का ही अल्टीमेटली पार्ट है, और कंपोजिट एवरेज दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को एक साथ कंपोजिट करके हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, दैट इज कंपोजिट एवरेज। मींस ये प्योरली कमर्शियली यूज होने वाले एवरेजेस हैं। इनिशियल लेवल के ऊपर इन एवरेजेस को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो मूविंग एवरेज है ये टाइम सीरीज के अंदर, एक्चुअली टाइम सीरीज नाम का एक चैप्टर होता है उसके अंदर कैलकुलेट होता है, टाइम सीरीज कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड बाय यूजिंग मूविंग एवरेज, 3 ईयरली 5 ईयरली 7 ईयरली ऐसे यूज करते हैं। एनीवे, तो हमारे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस हो गए। फर्स्ट हमारा मैथमेटिकल एवरेज, सेकंड है हमारा पोजिशनल एवरेज, एंड थर्ड इज कमर्शियल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, पोजिशनल एवरेज में मीडियन और मोड, और पार्टिशनल वैल्यू इसमें क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल, और कमर्शियल एवरेज में मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कॉम्पोजिट एवरेज। ये हमारे तीन एवरेजेस हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको बता दूं, इसमें देखिए रखें ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एवरेजेस, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ताकि आपको ये थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट को समझ में आ जाए कि एवरेजेस का एक्चुअली मकसद क्या है कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स और साथ में फंक्शंस, फंक्शंस मीन्स क्या काम एक्चुअली आपके एवरेजेस करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, टू प्रेजेंट यूज डेटा इन समराइज्ड फॉर्म। ठीक है, जो भी आपका यूज डेटा होता है उसको समराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 140 करोड़ लोगों की इनकम इंडिविजुअली कैलकुलेट करना और रिप्रेजेंट करना किसी के सामने, ये बड़ा टिपिकल टास्क है और कोई इंटरेस्टेड भी नहीं होगा इतना बड़े वैल्यूज के अंदर। ठीक है, बट हम क्या करते हैं उसको समराइज्ड फॉर्म में, मींस छोटा करके रखें। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, चाहे एवरेज में तीन वैल्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 40 और 60 का एवरेज कैलकुलेट करें, तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 50। मैंने कहा 40, 60 और 50 का एवरेज कैलकुलेट करें, तो 40 प्लस 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3, अगेन 50। मैं ऐसे ही 5 वैल्यूज का, 10 वैल्यूज का, 1 लाख वैल्यूज का, 1 करोड़ वैल्यूज का, 100 करोड़ वैल्यूज का मैं अगर एवरेज निकालूंगा, तो फाइनली रिजल्टेंट वैल्यू विल बी अ सिंगुलर वैल्यू, सिंगुलर टर्म। मींस हम डेटा कितना ही बड़ा ले लें, कितनी बड़ी हमारी सीरीज होगी, उसकी वैल्यू एक ही होगी। जैसे हमारे इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा, हम बोले भाई 55,000 रुपया पर कैपिटा जीडीपी है, 1.5 लाख रुपया जो भी है, तो वो बेसिकली हमारे एक इंडियन की एनुअल इनकम को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तो ये कहने का मीनिंग ये कि कितना ही एलैबोरेटेड, कितना ही यूज डेटा हो, उसको समराइज्ड फॉर्म में जो प्रेजेंट करते हैं वो हम थ्रू एवरेज करते हैं। तो एवरेज का एक काम होता है टू रिप्रेजेंट यूज डेटा इन समराइज्ड फॉर्म, छोटे फॉर्म के अंदर देता है, जिससे जो हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड कंपैरेटिवली होगा। सेकंड फॉर्म है टू मेक कंपैरिजन इजियर। ठीक है, तो इससे कंपैरिजन जो होता है वो इजियर हो जाता है कि भाई हम कहें कि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा और यूएस का जीडीपी पर कैपिटा या पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा, तो हम क्या करते हैं कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई हम बोले कि भाई इसका जीडीपी पर कैपिटा मान लो 50,000 USD है, जो भी इंडिया का है, और यहाँ का जीडीपी पर कैपिटा 65,000 USD है, तो हमें कंपैरिजन मिल जाता है कि कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा नहीं है। जैसे हम देखें कि भाई बैट्समैन के देखें, तो हम उनका एवरेज देख के बताते हैं कि भाई इस बैट्समैन का एवरेज क्या है, और जिसका एवरेज हाई होता है वो अच्छा बैट्समैन अज्यूम किया जाता है। एनीवे, तो डेटा का जब, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दो सेक्शन थे, सेक्शन ए सेक्शन बी, एक का 85 मार्क्स है, एक का 87% मार्क्स है, तो कौन सा बेटर परफॉर्मर है, 87 वाला। तो कंपैरिजन तो होते ही, आप अपने क्लासरूम में अपना कंपैरिजन दूसरे से करेंगे तो एवरेज मार्क्स से, एग्रीगेट मार्क्स से ही करते हैं, फाइन। चले, थर्ड पॉइंट है टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है डिसीजन मेकिंग। देखिए, डिसीजन मेकिंग यूजुअली फर्म्स में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, इन जगहों पर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपकी कंपनी में आपको कुछ डिसीजन लेना है, तो आप क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई पिछले 10 साल से इस कंपनी को चला रहे हैं, और इस कंपनी का जो एवरेज सेल्स है 10 साल का, दैट इज व्हाट, 25 करोड़ रुपीस पर एनम है। अब आपने देखा कि जो अभी रीसेंट ईयर है इसके अंदर 22 करोड़ सी हो रहा है,
तो इसका मीनिंग हुआ कि इस ईयर में आपकी सेल्स एवरेज सेल्स से कम रह गई, ठीक फाइन। तो अब आप क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, एक्शन लेंगे। भाई आपको डिसीजन यहीं से तो मालूम पड़ेगा ना कि आपकी एवरेज सेल बढ़ रही है कम हो रही है। ये नहीं पता होता तो फिर आपको ये कंपैरिजन नहीं मिल पाता डेटा में। ये देखिए इधर कंपैरिजन। तो अब आप डिसीजन लेंगे कि भाई कहां पर हमारी प्रॉब्लम थी, उसकी पूरा का पूरा जो भी रीजन है वो सारे रीजन ढूंढेंगे, और उस रीजन को ढूंढने के बाद फिर आगे के लिए डिसीजन लेंगे कि हमें यहां पर सेल्स बढ़ाना चाहिए, इस टेरिटरी में सेल्स कम थी इसमें बढ़ाना चाहिए, यहां यहां पर वर्किंग की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है। तो वो कहलाता है हमारा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी एवरेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। टू नो अबाउट यूनिवर्स फ्रॉम अ सैंपल। देखिए आप पढ़ चुके हैं आप इंफॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स बाय सैंपल। एक सैंपल से यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन लेना। अच्छा अब प्राइमरी सेकेंडरी डेटा में पढ़ चुके। यूनिवर्स मींस अभी मैंने थोड़ी देर बताया ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप जिसके हम क्या कर रहे हैं बेसिकली स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट यूनिवर्स, ठीक है। अब देखिए यूनिवर्स के बारे में अंदाजा लगाना, एक सेंसस सर्वे होता है, एक सैंपल सर्वे होता है। सेंसस के अंदर हम क्या करते हैं, सारे वेरिएबल जितने भी यूनिवर्स में होंगे उनका इंडिविजुअल डेटा कलेक्ट करते हैं। सैंपलिंग क्या होती है, सैंपलिंग एक्चुअली होती है कि आप उस पूरे यूनिवर्स में से एक छोटा सा सैंपल ले लो और उस सैंपल के ऊपर रिसर्च कंडक्ट कर लें, और उस सैंपल के रिसर्च से आप पूरे यूनिवर्स के बारे में एक जनरल ओपिनियन एक्सप्रेस कर दें, ठीक है। और वो जनरल ओपिनियन जो होगा वो ये माना जाएगा कि ये पूरे के पूरे यूनिवर्स का ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लें कि आपको किसी एक यूनिवर्सिटी में के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट कैलकुलेट करनी है, तो अब आप मान लें इस पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर मान लो 2 लाख स्टूडेंट्स हैं। अब आप 2 लाख स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, कोई होगा कोई नहीं होगा, और बड़ा लेंदी काम है। सेंसस का अपने आप में ड्रॉबैक ये है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग और पैसा बहुत लगता है। तो आपने क्या किया, एक 5000 स्टूडेंट का सैंपल ले लिया रैंडमली सैंपल ले लिया, और 5000 स्टूडेंट्स की जिसमें कुछ ज्यादा लंबे भी हैं, कुछ कम हाइट के भी हैं, कुछ मॉडरेट हाइट के भी, सबको ले लिया। 5000 स्टूडेंट्स की हाइट का मेजरमेंट कर लिया, और जो इसकी हाइट आई मान लीजिए 5 feet 8 inches, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी पूरी यूनिवर्सिटी की जो एवरेज हाइट है वो 5 feet 8 inches है। और जितने भी रिसर्च हमारे सामने आते हैं यूजुअली वो सब सैम्पलिंग टेक्निक के ऊपर ही होते हैं, और उन्हीं से क्या होता है हम पूरे के पूरे यूनिवर्स का अंदाजा एक्चुअली लगा करके चलते हैं, ठीक है। टू ट्रेस प्रिसाइज रिलेशनशिप। अब ये प्रिसाइज रिलेशनशिप जो होता है के मतलब दो चीजों के बीच में एक्चुअली रिलेशनशिप बताया गया, जैसे इनकम एक्सपेंस हुआ, किसी दो कंट्रीज की हाइट्स के बीच में डिफरेंस हुआ, तो ये सब बेसिकली शो करेगा। और लास्ट है बेस फॉर कंप्यूटिंग अदर मेजर्स। देखिए ये बेस फॉर कंप्यूटिंग अदर मेजर्स का मीनिंग होगा कि ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है ना, ये सेंट्रल टेंडेंसी आगे के कैलकुलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आगे का कैलकुलेशन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इस डिस्पर्शन में जो मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये कैलकुलेट ही अरिथमेटिक मीन की बेसिस पे होता है। ये मीन डेविएशन, मीन मीडियन मोड तीनों पे कैलकुलेट होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन बेस्ड कंसेप्ट होता है, ये मीन के ऊपर कैलकुलेट होगा। उसके आगे आप पढ़ेंगे जैसे कोरिलेशन, तो कोरिलेशन भी अरिथमेटिक मीन के ऊपर बेस्ड होता है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसके अलावा आपको नहीं है स्किवनेस होता है, मोमेंट्स होता है, कर्टसिस होता है, ये सारे के सारे जो मेजर होते हैं ये अरिथमेटिक मीन मीन सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक मीन अल्टीमेटली होता है। फाइन, तो ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक का ओवरव्यू और इसका जनरल इंट्रोडक्शन और आइडिया था कि इसके अंदर एक्चुअली आता क्या है और सेंट्रल टेंडेंसी का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। होप आपको ये क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने की ट्राई में करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी कॉमर्स एकेडमी।